मैं आज तक ताजमहल गया नहीं हूँ। हाईवे पकड़ने से पहले हम लोग सोचे कि चाय की चुस्की मार ली जाए। इतने इतने टाइम में ऐसा ऐसा डेवलप होता गया ताजमहल। तो ये है वो रॉयल गेट। वाओ। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ एकदम एग्जैक्टली ताजमहल के सामने। गाइस यहाँ पे ना फॉरेनर लोग बहुत आए हैं ना। मेरे पास वर्ड ही नहीं है यार इसके लिए। इसको साफ सफाई करना चाहिए। झटकम था इसके लिए लकड़ी की बना दी है। बहुत गलत हो गया, स्कैम हो गया है तो मेरे साथ। 200 रुपया फोकट का दे दिया। क्या है बेल्कनी है ऊपर यार। मुमताज और शाहजहां दोनों आजू बाजू में। यार मेरी बेगम होती तो मैं उसके लिए ताजमहल लेके जाता। खाते कैसा है ऐसी आज से। चले उठ जा, गुड मॉर्निंग। फाइनली हम लोग को स्टे करना पड़ा क्योंकि सबकी बैंड बज गई थी। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ यूपी से आगरा ताजमहल देखने, प्यार की निशानी। काफ़ी रात हो गई है तो मैं सोचा रात में निकलूंगा तो मैं सुबह तक पहुँच जाऊँगा। 5-6 बजे तक आगरा टच हो जाएंगे, उसके बाद शूट वूट करेंगे हम लोग जो भी रहेगा, फ़ोटो वीडियो और व्लॉग में भी मैं आप लोग को पूरा ताजमहल कवर करके दिखाने वाला हूँ। मैं क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैं आज तक ताजमहल गया नहीं हूँ और मैं यहाँ यूपी में था तो यहाँ यूपी से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं सोचा कि आया हूँ तो एक बार एक्सप्लोर करना ज़रूरी है ज़िंदगी में यार, अगर नहीं घूमे तो फिर क्या किए। वाह। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और ये रही अपनी धन्नो। तो मैं भी आउटफिट रेडी कर लिया हूँ। मेरे साथ जा रहे हैं यासिर, आवेश और बिलाल। तो हम 4 जन यहाँ से निकल रहे हैं, इंशाल्लाह सुबह 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो लेट्स गो, निकलते हैं फटफट, करते हैं गाड़ी को बैग के साथ। चलो सब लोग अपना अपना बैग डाल लो फटफट गाड़ी में, जूते वूते भी लेके जा रहे हैं। हम लोग निकल गए हैं आगरा के लिए और हम लोग को यहाँ से दिखा रहे हैं 450 किलोमीटर। मीन्स मतलब हम लोग को लगेगा 8.5 घंटा या फिर 8 घंटा लग सकता है हम लोग नॉन स्टॉप गए तो। अगर हम लोग रुकते रुकाते गए चाय की चुस्की मारते हुए तब हम लोग थोड़ा और लेट पहुंचेंगे, मगर इंशाल्लाह हो सकेगा तो हम लोग 5-5:30 बजे तक सुबह टच कर देंगे। उसके बाद डायरेक्ट टच करके फ्रेश होके हम लोग जाएंगे सीधा ताजमहल के गेट से एंट्री लेंगे और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। आ गए थे पेट्रोल पंप पे, अभी डलाएंगे डीजल और डीजल डला के हम लोग नॉन स्टॉप निकलेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग कहीं पे नहीं रुके क्योंकि मैप में दिखा रहा है सुबह 6:10 को टच करेंगे आगरा। 4,500 का डीजल गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग आगरा रिटर्न हो पाते हैं कि नहीं। A few minutes later, डीजल डला ली अपनी गाड़ी में और हम लोग निकलते हैं आगरा के लिए। जब तक आप लोग सफर एंजॉय करो। हाईवे पकड़ने से पहले हम लोग सोचे कि चाय की चुस्की मार ली जाए। तो ये है कुल्हड़ वाली चाय, चाय पियेंगे और चाय पी के हम लोग ये एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे यहाँ से। ये अपनी धन्नो और ये हाईवे, यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे आगरा के लिए डायरेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। ये रहा हमारा आगरा 90 किलोमीटर। हम लोग पहुंच गए थे टाइम से पहले। यहाँ पे मालूम पड़ा कि गेट नहीं खुलेगा 6 से पहले, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा एक नींद मार लेते, एक पावर नैप मार लेते आधे घंटे का, सो के उठ जाएंगे तो बॉडी के जो थकान है ना वो थोड़ा सा दूर हो जाएगी। तब शूट करने में भी मज़ा आएगा। जब तक अपना साहिल कैमरामैन आ भी रहा है उसको भी 15 मिनट से ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग सोचे कि एक नींद ले लेते। फाइनली एक पावर नैप नींद ले लिया और कपड़े भी चेंज कर लिए। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, एंट्री लेंगे। यहाँ से 500 मीटर वॉकिंग जाना पड़ेगा, पार्किंग पीछे खड़ा करना पड़ता है क्योंकि गाड़ी अंदर तक का नहीं जाती है। काफ़ी ठंडी लग रही है, मैं सोचा नहीं था कि ठंडी लगेगी बट ठंडी लग रही है। मुंह धो के मस्त फ्रेश हो गए, अब अंदर चलते हैं देखते हैं कैसा दिखता है ताजमहल। ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे एंट्री में। परवेश एंट्री करते हुए और यहाँ पे हम लोग अंदर जाते हुए। बाप रे, मतलब इतने टाइम में ये चेंज होता रहा। 1898 1899, इतने इतने टाइम में ऐसा ऐसा डेवलप होता गया ताजमहल और बाद में 2001 में ऐसा दिखने लगा।
2015 में काफी शानदार दिखने लगा। 2024 का मैं दिखाऊंगा आप लोग को कि कैसा दिखता है। गेट जहाँ सेंटर होएंगे अपन, और ये है एंट्रेंस। वाव यार, काफी खूबसूरत दिख रहा है। चलो अभी अंदर चलते हैं। अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं रॉयल गेट के अंदर से, सीधा ताजमहल दिखेगा। तो ये है वो रॉयल गेट। वाव, लाइट मुझे थोड़ा डिम करना पड़ेगा ताकि आपको ताजमहल दिखे। ताजमहल, अरे यार क्या क्राउड है यहाँ पे यार। अभी मैं खड़ा हूँ एकदम एग्जैक्टली ताजमहल के सामने, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। क्या महिला, मेरा ताजमहल। ये ताजमहल की खासियत क्या है मालूम है? चारों तरफ से, मैं चारों कॉर्नर से गया, चारों तरफ से गया, मुझे ना सेम व्यू देखने मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अभी मैं ये साइड से भी सेम व्यू दिख रहा है मुझे, और मैं उसके अपोजिट गया था उधर से भी सेम व्यू दिख रहा है, और वो रहा फ्रंट गेट जहाँ से आप लोग को दिखाया था वहाँ से भी सेम व्यू दिख रहा है इसका। और ये है मस्जिद है यहाँ पे जहाँ पे नमाज होती है जुमा की, मुझे अभी मालूम पड़ा। मतलब इसके तीन गेट है, एक ये गेट है और एक वो गेट है और एक गेट वो साइड है और ये साइड लेक है, दरिया है। याद में देखो बना है ये हसी ताज महल, याद में कोई लिखे। गाइस यहाँ पे ना फॉरनर लोग बहुत आए हैं ना तो ये यहाँ पे अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। देख लो आवेश की मम्मी, अगर यहाँ ब्लॉग देख रहे हो मेरा तो देख लो इसकी शादी जल्दी से करा दो। आप लोगों को कैसा लगा ताजमहल? और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ऊपर जाऊँ, ऊपर चल के ना आपको इसको टच करके दिखाऊं ऊपर से जो लिखी हुई है ना आयत। मैं तो देखो फर्स्ट टाइम आया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट मैं जो जो देख रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। बेगम की याद में इतनी खूबसूरती, बाप रे वाओ, मेरे पास वर्ड ही नहीं है यार इसके लिए। इतना खूबसूरत, पूरा वाइट है, पूरा वाइट एकदम, समझ रहे, मतलब सूरज की लाइट उस पर पड़ रही है और सीधा एकदम वाइट एंड वाइट दिख रहा है। इसको साफ़ सफाई करना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई कराने जाएंगे तो पूरा बजट तो चला जाएगा, तो उसके लिए इसकी साफ़ सफाई नहीं कराते। इतनी घसाई उसाई कराएंगे ना इसकी, एकदम क्लीन हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। बट राजा ही लोग करा सकते हैं, क्योंकि राजा बना है तो वही करा सकते हैं, बाकी कोई नहीं इसको मैनेज कर सकता। बात तो सही है। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है 200 रुपये पर पर्सन, तो अभी हम लोग टिकट ले लिए हैं। और मुझे ऊपर जाना ही था आप लोग को दिखाने के लिए कि ऊपर का मार्बल और लादी कैसा है, ऊपर का डिज़ाइन कैसा है, क्योंकि दूर से ही अभी तक का दिखा रहा था मैं। तो इसके लिए टिकट लेना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से उसकी एंट्रेंस है, यहाँ से इसकी अलग एंट्रेंस है। हम लोग जो आए थे वो 50 रुपये का था ना टिकट, 50 रुपये में आपको नीचे का एंट्रेंस, नीचे का आप एक्सप्लोर कर सकते हो, फिर ऊपर 200 और लोग लगेगा, तो मतलब 250 रुपया अगर लोगे तुम टिकट तो पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। 50 रुपये में सिर्फ नीचे घूम सकते हो, 200 रुपया बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ ऊपर जाने के लिए 200 रुपया। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, और ये है लकड़ी की सीढ़ी, पत्थर की सीढ़ी नहीं है। बजट कम था इसके लिए लकड़ी की बना दी है। अच्छा बहुत गलत हो गया, स्कैम हो गया है तो मेरे साथ। मुझे लगा कि मैं बिंदास घूम सकता हूँ, पर 200 रुपया फोकट का दे दिया। यहाँ पे तो बॉर्डर बना के रखी है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आप अपनी मर्जी से कहीं जा ही नहीं सकते, आप बॉर्डर ऐसे चल के ऐसा राउंड घूम के वहाँ से वहाँ ऐसा करके ऐसा देखो लाइन में घूम के, और उसके बाद नीचे उतर जाओ। सिर्फ टच करने का 200 रुपया दिया हूँ मैं। क्या है, बेल्कनी है ऊपर यार, ये देखो यहाँ पे बेल्कनी है, ये बेल्कनी है और यहाँ पे गेट है, यहाँ से सीढ़ी होगी ऊपर से जाने का, बेल्कनी से व्यू लेने का, उसके बाद एक और ऊपर बेल्कनी है। सिर्फ फॉरनर दिखेंगे यहाँ पे, आधे से ज़्यादा फॉरनर दिखेंगे, और अपने इंडियन तो कम है, क्योंकि इंडियन को मालूम है ना कि अपने ही शहर में है, जाएगा कहाँ। जब मर्जी गुड मॉर्निंग बोलेंगे मेरे जैसा, रात में स्टार्ट करेंगे गाड़ी, पहुंच जाएंगे ताजमहल।
सिर्फ टच कर रही है, बस टच कर रही है, देखो डिजाइन का टच, ये है टच। मैं टच कर लिया ताजमहल फाइनली गाइस, हम सब ने टच कर लिया, और तुम भी टच करो, हम सब ने टच कर लिया ताजमहल को। इतनी दूर से आया हूँ, कम से कम टच तो किया, टच नहीं करता तो पैसा वसूल नहीं होता यार मेरा आना। तो ये जाली भी टच कर लिया, ये पत्थर भी टच कर लिया। मुख्य मकबरा के अंदर फोटोग्राफी, अरे बाप रे, पहले ही सतर्क मना, पहले ही मना कर दिया कि आप अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, बट हम ट्राई करेंगे। चलो हम लोग बाहर आ गए, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, बट मुमताज और शाहजहाँ दोनों आजू बाजू में ही है, देखिए प्यार मोहब्बत दोनों साथ में ही है। ये देखो सब अरबी में लिखा है गेट के एंट्रेंस पे। ये वो लेक है जो पीछे पानी है ना, जो आप फोटोज देखे होंगे, वो बोर्ड पे पब्लिक बैठ के खिंचाती है फोटो, जिसमें बैकग्राउंड में ताजमहल दिखता है। भूख इतनी जोर की लगी है ना कि क्या ही बताऊं गाइस, चिड़चिड़ हो रही है, मतलब जब से आया हूँ ना कुछ भी खाया नहीं हूँ, घर से 8 बजे खा के निकला था, जब से कुछ भी नहीं खाया हूँ। सुबह सुबह यहाँ पे 6 बजे पहुँच गया था, और मैं सोचा कि सुबह सुबह क्राउड नहीं रहेगा, बट मतलब जैसा मैं सोच के आया, मुझे लगता है बाकी सब भी वैसे ही सोच के आए। मैं जितना सोच के था कि क्राउड नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा क्राउड निकला। एग्जिट कर लिए हम लोग, और यहाँ पर मार्केट लगी हुई है जहाँ पर छोटे छोटे ताजमहल, बड़े बड़े ताजमहल मिल रहे हैं। तो बस ऐसी मजाक मस्ती हो रही थी, डिस्कस हुआ, तो मैं सोचा यार मेरी बेगम होती तो मैं उसके लिए ताजमहल लेके जाता, बट मेरी बेगम नहीं है। अभी हम लोग को बग्घी मिल गई है, मेरी पब्लिक पीछे बैठी है। क्या हुआ, कैसा लगा ताजमहल देख के? हीरो बन के निकले थे, बन चुके जीरो। भाई मुझे लेके चलो, मुझे ताजमहल देखना है, बिना सोए चलूंगा। सब जागे हुए हैं, हाँ जितने हैं उसको देखो, फ्रेश हो रहा, मूड हो रहा है। अब इन लोग को क्या मालूम, मुझे आदत है इस चीज़ों की, दो दो दिन जागना, तीन तीन दिन जागना, शूट करना एंड ऑल। और मैं खाने वाला हूँ आगरा की सबसे फेमस चीज़, जो कि यहाँ की फेमस चीज़ है, कचौरी पनीर वाली। ये है कचौरी आगरा की। कैसा लगा भाई कचौड़ी आपको आगरा की? अभी मैं हूँ तो कचौड़ी खा रही, अभी नाम है बेड़ी। अरे 0.5 रुपए, इसको बोलते हैं ये आटे की बनती है, इससे पहले वाली जो खाया था कचौड़ी वो मैदे की बनती है, ये मतलब ज़्यादा टेस्टी है। कभी कभी खा ले रहा हूँ बहुत बहुत, ये आगरा आया था तो मैं सोचा आगरा की फेमस चीज़ ट्राई करूँ, तो मालूम पड़ा कि बेड़े, कचौड़ी और पेठा और क्या, छोले भटूरे। और छोले भटूरे, ये दो तीन चीज़ आइटम अच्छे, तो मैं सोचा कि कचौड़ी पहले ट्राई करूँ, कचौड़ी के बाद फिर ट्राई करेंगे। हाँ जलेबी भी है, फिर उसके बाद पेठा, तो पार्सल लेके जाएंगे घर के लिए। अभी हम लोग आ गए हैं मेहता पार्क, और यहाँ से ताजमहल का व्यू पूरा दिखेगा, पूरा मतलब उसके एक दो तीसरा गेट तो नहीं दिखेगा, बाकी के दो गेट दिख रहे हैं और पूरा ताजमहल दिख रहा है यहाँ से। चले उठ जा, गुड मॉर्निंग जादू, गुड मॉर्निंग जादू, ताजमहल दिख रहा है। बाप रे, रात भर का जागा, सुबह से इसको सोने नहीं दिया हूँ, सोने क्या नहीं दिया इतना, मतलब हम लोग घूम रहे इधर उधर, ये सोएगा कैसे। चलो मुमताज जी ख्याल रखो अपना, हम जा रहे। सो गाइस फाइनली हम लोग को स्टे करना पड़ा, क्योंकि सबकी बैंड बज गई थी, बिलाल बहुत ज़्यादा नींद में था, यासिर भी नींद में था, इसकी भी 12 बजे पड़े हैं, और मैं भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था क्योंकि मुझसे गाड़ी चलाने नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा कि यार सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो मैं सोचा कि 2-3 घंटे की नींद ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग
थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किए तो किए, उसके बाद हम लोग रिटर्न चले जाएंगे यूपी, मतलब लाल गोपाल के। तो हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, नहा वहा के हम लोग फ्रेश हो गए, कपड़े वपड़ा पहन लिए हैं और अभी बज रहे हैं 5। और कैसी लगी तुम लोग की नींद, कोई पूरी हो गई नींद पूरी? हाँ बाकी है। अरे ताजमहल कैसा था? बहुत अच्छा था, पर बिलाल ने ताजमहल नहीं देखा। फिर क्या देखा, जाके वहां जमीन में सो गए। अभी जा रहे हम लोग लाल किला, फिर लाल किला से हो सकेगा तो हम लोग यहाँ का फेमस आइटम आगरा का जो भी पेठा और क्या है और देखेंगे, पता करेंगे, फिर वो लेके हम लोग जाएंगे अपने घर के लिए। लेट्स गो, निकलते अभी फटफट। हम लोग जैसे ही पहुँचे लाल किला, मालूम पड़ा कि लाल किला में एंट्रेंस बंद हो चुकी है, अब एंट्री करने नहीं दे रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वापस यूपी, पहले जाएंगे कुछ सामान ले लेंगे। और लाल किला काफ़ी बड़ा है यार, आप लोग को दिखा देता हूँ, दूर से तो दिखाई देता हूँ। ये लाल किला, जा नहीं भाई यार, मिस कर दिया हम लोग। तो अभी हम लोग आए हैं गोपाल दास पेठा वाला, जो कि आगरा का सबसे फेमस शॉप है। अभी यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, अच्छा चॉकलेट भी अच्छा है, बाकी टेस्ट हो यार एक नंबर है टेस्ट। हम लोग निकल गए थे आगरा से और हम लोग 100 किलोमीटर आगे भी आ गए और अपनी गाड़ी का डीजल ख़त्म हो गया था, तो वापस 3,000 रुपये का डीजल डाला रहे ताकि हम घर तक पहुंच सकें। सबकी हालत डाउन है, सबकी शक्ल में 12 बजे हुए हैं, बस हम लोग इंशाल्लाह रात को 2 से 3 बजे तक टच हो जाएंगे घर पे और उसके बाद ये ब्लॉग वहाँ पे एंड करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। चलो अभी चलते हैं। इस खाना खाने में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो अभी हम लोग रुके हैं नागपुर हाईवे पे रास्ते में, और कानपुर, कानपुर हाईवे, नागपुर नहीं, मुंबई की याद आ रही है, कानपुर हाईवे पे है और हम लोग हैं ढाबे पे, राधे ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट। तो हम लोग राधे ढाबे पे हैं जो कि हाईवे पे ही एकदम, और ये रहा हमारा खाना। तो अभी खा लेता हूँ जो बचा है, थोड़े बहुत अंडे खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर, रात के बज रहे हैं 3। साथ ही साथ मैं ये ब्लॉग करता हूँ यहाँ पे एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, ख्याल रखो। और ताजमहल कैसा लगा कमेंट करके याद से बता देना, खूबसूरत है या नहीं, शाहजहाँ ने अपनी मुमताज के लिए बनाया था। एक लाइक तो बनती है और एक कमेंट भी बनता है। लव यू गाइस, बाय, टेक केयर, ख्याल रखो।